इकबाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथ ही आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर निज़ामपुरा भी मंडी वाले मामले में आज आर्ग्यूमेंट होना था और आर्ग्यूमेंट हुआ भी है। और इस मामले में अपडेट देने के लिए मेरे साथ मौजूद है जुबैर भाई कुरैसी मौजूद हैं, और जो कि सुबह से ही कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। जुबैर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मातृभूमि टीवी पर, और आज आप सुबह से ही कोर्ट रूम में मौजूद थे। सर, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज की क्या अपडेट है कोर्ट की, वो ज़रा बताइए, पब्लिक आपसे जानना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सुबह से हम लोग कोर्ट रूम में बैठे थे, तो जैसा हमारा नंबर आया, 10वां नंबर था, और जैसा नंबर आते ही हमारे वकील खड़े हुए और सामने पीपी भी खड़ा हुआ, तो पीपी आते ही उसने सवाल जवाब करने लग गए जज से। तो हमारे वकील ने कहा कि हमारा आज बेल ऑर्डर है, तो सामने वाले जो पिटीशन डाले हुए उन लोग ने डेट मांगे, तो बोलते हम लोग ने जो फाइल डेट दिए थे उसका टाइम नहीं, हम लोग नहीं कर सके एडजस्ट, तो 3 हफ्ते का टाइम मांगे। उसके अंदर हमारा जज ने, हमारे वकील ने उससे जवाब दिए कि हम लोग ने अगले टाइम पे भी डेट दिए, अगले टाइम भी हम लोग का बेल ऑर्डर था, उससे अभी इन लोग ने कुछ दिए ही नहीं, तो हमको अब बेल चाहिए। तो उन लोगों ने कहा नहीं, 3 हफ्ता तो नहीं। हमारे वकील ने फिर उससे 2 हफ्ते का टाइम मांगा, जब जाके जज ने उनको 2 हफ्ते का टाइम दिया, और 2 हफ्ते के बाद अगर उन लोग ने कोई पेपर फाइल नहीं किए प्रॉपर्टी अटैच का, तो शायद इंशाल्लाह अपने को बेल ग्रांट कर दिए। जी, तो थैंक यू जुबैर भाई, बहुत अच्छी जानकारी आपने। देखिए, जुबैर भाई ने बताया है कि जो कंपटेटिव अथॉरिटी है उसको उन्होंने पिछली बार ही, आपको पता होगा अपडेट में, कि जज ने डायरेक्शन दिए थे कंपटेंट अथॉरिटी को कि भाई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन या कुछ और जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम दिया था उनकी तरफ से पूरा नहीं हो पाया था, इसमें अपनी कंपनी तरफ से कोई इशू नहीं था। तो ये सारी चीज़ें अब पूरी करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है, और अगर 2 हफ्ते में 18 तारीख को अगर नहीं करेंगे तो शायद कोर्ट उनकी अगले बहाने को नहीं सुनेगी। तो जो भी अपडेट आएगी 18 फरवरी के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट से, वो मैं आपको मातृभूमि टीवी के माध्यम से तुरंत बताऊँगा। सर, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम क्या सर आपका? मैं सैयद नज़ीर अली, मैं उमरा से हूँ। मैं जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस दुनिया में क्या कितने बड़े बड़े राजा महाराजा लोग हैं और नवाब लोग हैं, सबकी छोटी सी एक मंशा थी, सबसे छोटी सी एक सोच थी कि मैं आगे बढ़ना, मैं बड़ा होना और मेरे आल औलाद बड़े होना। इतनी छोटी सी सोच लेके वो आके दुनिया से वह चले गए, मगर आपा की इतनी सी छोटी सी सोच नहीं थी। ये तमाम मुसलमानों को, सब गरीब लोगों को आगे बढ़ाना उनका मेरा मकसद था। इतनी बड़ी सोच लेके, इतना बड़ा कदम लेके आपा ने ये हीरा गोल्ड कंपनी को स्थापित किए हैं। ये दुश्मनों ने उनके पता चल के ये आगे बढ़ेंगे, इनका आप बहुत ऊपर तक माना जाएगा, ये तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि इन लोगों ने अपनी साजिश रचा करके बैंक का ट्रांजेक्शन का लिमिट उसमें कम करके ये साजिश आते हैं, उन्हें फंसाया गया है। आप अगर इतना बड़ा मकसद लेके यहाँ निकले हैं तो अल्लाह उनके साथ है, हम सब उनके साथ ही हैं, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। आपका बहुत बहुत स्वागत है मातृभूमि टीवी पर। क्या नाम है आपका? आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आज सुबह से ही कोर्ट रूम में आज मौजूद थी, आप मॉर्निंग से आप आई हैं, तो आज तो बहुत उम्मीद था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा नोएडा पर, चलो आज तो कुछ हो जाएगा, मगर नहीं हुआ, नहीं पता नहीं क्या अल्लाह क्या मंजूर है, मगर हो जाएगा इंशाल्लाह। हम लोग सब लोग सब्र रखें, सब लोग सब्र बनाए रखें, और बातिल की हार होगी और हमारी जीत। जी, देखिए, तो क्या होता है कि मैं ये बात जानता हूँ, कोशिश कर ले दो कितना कोई भी कोशिश कर दो, मगर अपने को हार नहीं मानना है। मैं ये बात जानता हूँ कि जब काफ़ी उम्मीद लगाकर एक लोग जब कोर्ट में आते हैं और इस तरह से कोई डेट, एक नई तारीख का सामना करना पड़ता है या किसी प्रकार से डेट बढ़ती है, तो थोड़ा तकलीफ होती है लोगों को, और तमाम प्रकार से कोशिश चल रही है डेट बढ़ाने की, FIR कराने की। ऐसे में लोग कामयाब नहीं होंगे, और तेलंगाना हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया है, उसके बाद भी लोग उस जजमेंट को भी मानने को नहीं तैयार हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? उन लोग के बारे में क्या, लोग जब ना समझ ऐसे हरकतें कर रहे हैं तो लोग के बारे में क्या बोला जाता है? ये तो कोर्ट का मसला है, कोर्ट तो करेगी, कुछ ना कुछ फैसला तो होगा। एक जगह से हो गया तो यहाँ पर भी होएगा, थोड़ा लेट समय होएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे? पहली मरतबा आया हूं जी। आपका नाम क्या है? इकबाल खान नाम मेरा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इकबाल भाई मातृभूमि टीवी पर। आपका टीवी
के देखता रहता हूँ अक्सर। जी जी, मैं ये सोच के आया था, आज उम्मीद ले गए कि इंशाल्लाह आज डेट मिल जाएगी आपा को और आपा यहाँ हो जाएगी। अगर ये लोगों ने कुछ जो सरपसंद बोला जाएगा इनको जी, ये मुसलमानों के खिलाफ कुछ साजिश चल रही है या कुछ इन्वेस्टर के खिलाफ साजिश हो जी जी, तो ये रुकाओ, जो रुकावट आ रही है तो ये गलत हो रहा है मुसलमानों के। जी जी जी, जितने लोगों ने रुकाने वाले लोग भी तो वही हैं, देखिए अगर एक होता रुकाने वाले तो वो गलत है ना, हाँ। जो लोग रुका रहे हैं वो गलत है, हाँ वो भी कोई गैर मजहब के होते तो बात अलग पैदा होती थी। सवाल ये है कि उन लोगों ने तमाम दिमाग लगा के तमाम फार्मूले लगा करके आज पूरा मामला आखिरी मरहले पर है कि भाई मामला फाइनल कंडीशन में है, तेलंगाना का पूरा मामला क्लियर हो गया सर। आज जज साहब ने एक ही बात कही थी कि वो पेपर मुझको नहीं मिला जो सामने जिन लोगों ने कंप्लेंट किया है कि उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस वजह से उन्होंने डेट उठा के दे दी 18। जी जी जी, नहीं दूसरी बात यह भी थी कि जो कंप्लीटन 30 को जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात की गई थी पिछले बार, वैल्यूएशन की बात की गई थी, मेन इशू वो था पिछले हफ्ते पिछली बार जब तारीख पड़ी थी तब जज महोदय ने ये कहा था कि जो वैल्यूएशन प्रॉपर्टी का है तमाम और डॉक्यूमेंट अथॉरिटी से मांगे थे कि आप ये काम पूरा करके दीजिए, वो भी काम पूरा नहीं कर पाए, इसके लिए दो हफ्ते का तीन हफ्ते का समय मांग रहे, दो हफ्ते का समय दिया है। हाँ जी, ज़्यादा बहाना नहीं बता सकेंगे, बहुत कई बार बहाना जज भी नहीं सुनते हैं, तो इंशाल्लाह आगे बार ये लोग कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। जी जी, कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ ये शैतान लोगों की अपील है, आज जाति दुश्मनी है, हसद और जलन के वजह से आप आपको ऊपर नहीं आने देते, उनकी कंपनी को नीचे ना बुझा करना इनका ये घटिया इरादा है कि आप आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग क्या है आपा के एक फैमिली के साथ एक मजबूत फौज है आपा की, ये इतनी मजबूत फौज है कि इसको कोई हिला नहीं सकते। आपा को खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपा को इतना माल दौलत से इतने बड़े कारोबार से नवाजा है, उसके साथ साथ अल्लाह के तरफ से नोहर आपा को इतना बड़ा गिफ्ट दिया है कि इतनी बड़ी बेहतरीन फौज दे दिया है अल्लाह ताला ने, बगैर किसी पैसा खर्च करे के बगैर किसी के मोहताजी के, हम खुद सारे लोगों ने आपा को सपोर्ट करे हैं, ये आपा की फौज है। मैं आपा को ये बोलना चाहता हूँ आपा आप बाहर आके इस फौज को ये अच्छी तरह से संभाले, ये फौज मजबूत रहेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, इतनी अच्छी फौज और क्या कौन से भी बादशाह को क्या किसी को भी नहीं दिया, तमाम बादशाह लोग अपनी अपनी फौज के लिए पैसा खर्च करते हैं, उनके लिए देखभाल करते हैं, मगर हम लोग ऐसी मुसीबत के हालत में भी हम लोग आपा का सपोर्ट कर रहे हैं, हम जैसी फौज आपा को फिर नहीं मिलेगी। आपा को मैं ये बोलना चाहता हूँ इस फौज को ख्याल करें और उनका भरपूर ख्याल करें, आप हम भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको बाहर निकालने के लिए, हर तरीके से हम लोग कोर्ट कचहरियाँ मीटिंग में हर जगह हम लोग शामिल हो रहे हैं, आप आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम सब लोग आपके साथ सपोर्ट में हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नाम क्या सर आपका? दिलसाद। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मातृभूमि टीवी पर, और आप कुछ जो कुछ कहना चाहते हैं कहिए। मैं मातृभूमि का पहले शुक्रिया कर रहा हूँ, हम लोग बाहर रहते हैं और आपका चैनल हमेशा देखते हैं, सबसे थैंक यू और हमारे साथी लोग भी उधर जो आपका चैनल एकदम देखते हैं। आज मैं अभी भी आया हूँ, मैं सऊदी अरबिया में रहता हूँ अभी, मेरे को मन भी एक हफ्ता हुआ आके इधर। जी जी, एक हफ्ता हुआ, वो तारीख थी आज की 29 तारीख थी, आया तो कोर्ट में अंदर गया तो मालूम पड़ा फिर 18 फरवरी का तारीख मिल गया। जी जी जी, 18 फरवरी का तारीख मिला, अब वही सब जज महोदय ने जो बोला है क्या लेके आने का, वही सब भाई लोग थे। जी जी जी, आपने मातृभूमि टीवी की तरफ से नहीं सर, इतना जैसा कि भाई साहब ने क्या कहा कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है जी, थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है इसमें कोई शक नहीं, देखिए सत्य को सही को सही साबित करने में बहुत टाइम लगता है, समझ रहे हैं, लेकिन वो सही साबित होके रहता है, वो पूरी आज तक पूरी कायनात में जो है कोई सही को गलत आज तक साबित नहीं कर सका है, और भारत की कानून व्यवस्था है थोड़ा फ्लेक्सिबल है, टाइम लगता है, लेकिन जो जजमेंट आएगा लैंडमार्क जजमेंट आएगा, और ये कोई मैं बढ़ा चढ़ा के नई बात नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, सारी जगह से बेल मिल चुकी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वही सच बोल रहा हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। मुश्किल तो होती है, हो सकती है, मगर पराजित का नहीं हो सकता, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो साथियों सब देखिए, सब इन्वेस्टर्स लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि आपा के साथ उन्होंने अपना इजहार किया है, और
दूसरी बात है कि कोर्ट में हर बार हमेशा आते हैं, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी सीजन हो, ये लोग कोर्ट के अंदर आते हैं, सारे आर्ग्यूमेंट को सुनते हैं और हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं, लोगों को समझाते भी हैं। तो और आपने आप लोगों को, सभी लोगों को, जो भी लोग कंपनी के हक में हैं, जो बात करते हैं, सब लोगों को शुक्रिया अदा किया है। जब मैं बुल्ढाना में मैंने उनसे मुलाकात करी थी तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जैसे बाहर आऊँगी तो इन सारी बातों का, जो भी लोग कंपनी के हक में थे, जो भी कंपनी के साथ 99% लोग खड़े हैं, उन लोगों का पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, और चलिए बहुत यहीं से मैं आप सभी लोगों से लेता हूँ विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। खुदा हाफिज़। जय हिंद।